हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज अपन चर्चा करते हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक से प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना लगभग बनी रहती है और प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन इसे ज़रूर पूछे जाते हैं। आज के क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम, बायोलॉजी सब्जेक्ट या इसके अलावा कोई भी छात्र अगर पीएमटी वगैरह की तैयारी भी करता है, नीट वगैरह की, मेडिकल लाइन की तैयारी वगैरह कर रहा है, उन सब के लिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साबित हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन अपना, मुख गुहा की छत बनाती है, तालु, गुलेट, हाइड या ग्लोटिस। तो मुख गुहा की जो छत होती है वह फ्रेंड्स अपने मुख में तालु का निर्माण करने का कार्य करती है, यानी कि जो अपना जो ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है वह इसमें क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती है, ब्लेटा ओरिएंटेलिस या म्यूस्का डोमेस्टिका, राना हेक्साटेला और एनोफिलस मेसिक्यूपेलेनिस, एंड इनमें से लार ग्रंथियां किसमें अनुपस्थित मानी जाती है। तो इन चारों में से अपन देखें तो जो राना हेक्साडेक्टाइला होता है उसके अंदर लार ग्रंथियां जो होती है अनुपस्थित होती है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरगोश में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी या पांच जोड़ी। तो जो खरगोश होता है उसके अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती है वह चार जोड़ी पाई जाती है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्थोली नलिका से संबंधित ग्रंथि कौन सी है, पेरोटोइड ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड्स या इन्फ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। तो बार्थोलिन अपन कहेंगे फ्रेंड कि एक प्रकार की मादा जनन ग्रंथि मानी जाती है, इसलिए इससे संबंधित जो ग्रंथि होगी वह सबलिंगुअल ग्लैंड्स अपने कहेंगे, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हाथी का हाथी दांत अतिवृद्धित रूप है, ऊपरी केनाइन, ऊपरी इंसाइजर, निचला इंसाइजर या निचला केनाइन। तो यह माना गया है ऊपरी इंसाइजर, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पेयजल में निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व की उपस्थिति के कारण दंत रोग में दांतों पर धब्बे दिखाई देते हैं, बोरोन, क्लोरीन, फ्लोरीन और मरकरी। तो इनमें से जो थर्ड ऑप्शन यानी फ्लोरीन की उपस्थिति जब ज़्यादा हो जाती है तो उसके कारण अपने दांतों पर धब्बे दिखाई देने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों में भोजन निगलने के कारण कौन सी संरचना ट्रेकिया में भोजन के प्रवेश को रोकती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तालु, कंठ, ग्रसनी और एपी ग्लोटिस। तो वह संरचना होती है फ्रेंड्स एपिग्लोटिस, जो एक ढक्कन का कार्य करती है, भोजन निकलते समय श्वास नलिका को कवर करती है ताकि भोजन ना जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्डियक ग्रंथि उपस्थित होती है, कार्डियक ग्रंथि उपस्थित होती है आमाशय में, पेराकार्डियम में, मायोकार्डियम में या एंडोकार्डियम में। तो यह उपस्थित मानी गई फ्रेंड्स आमाशय में, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, लीबर कुवन की दरार स्त्रावित करती है, पित्रस, गैस्ट्रिक रस, सक्कस रोटेंडस या सक्कस एंट्रिकस। तो यह मानी जाती है फ्रेंड्स लीबर कुवन की दरार स्त्रावित, सक्कस एंट्रिकस, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टियस पाई जाती है पलिया में, आत्रीय विलाई में, लार ग्रंथि में या स्तन ग्रंथि में। तो लैक्टेस की उपस्थिति होती है फ्रेंड्स आंत्र में विलाई पाए जाते हैं, आंत्रीय विलाई में, यानी कि जो अपना सेकंड ऑप्शन दे रखा है वह इसके अंदर करेक्ट है, आंत्रीय विलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्र की एपिथेलियल कोशिकाओं की सतह पर भोजन के अवशोषण से संबंधित होती है, सूक्ष्मांकुर, पिनोसाइटिक वेसिकल, जायमोजन कण या फेगोसाइटिक वेसिकल। तो ये होते हैं सूक्ष्मांकुर, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट,
स्तनधारियों में नीचे का जो जबड़ा होता है वह किसका बना होता है? दंती कास्तियों का, जंबिका का, जंबिका पूर्वी का या पालव का? तो यह बना होता है फ्रेंड्स दंती कास्तियों का, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? यानी जितने भी जो कॉर्डेट्स जीव पाए जाते हैं उनके शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? केराटिन, इनेमल, डेंटाइन या कॉन्ड्रिन? तो इनकी बात करते हैं तो जो इनेमल पाया जाता है वह सबसे कठोर पदार्थ होता है, तो अपने दांतों पर इसकी परत पाई जाती है, इसी कारण दांत जल्दी से नष्ट नहीं होते हैं। कोशिकाएं जो डेंटाइन स्त्रावित करती है क्या कहलाती है? तो जो कोशिकाएं डेंटाइन का स्त्राव करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, ओस्टियोब्लास्ट्स, केल्कोब्लास्ट्स, कॉन्ड्रियोसाइट्स या ओडोंटोब्लास्ट्स? तो इन्हें कहा जाता है फ्रेंड्स ओडोंटोब्लास्ट्स, यानी फोर ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायस्टेमा का संबंध है विशेष दांतों की उपस्थिति से, कुछ दांतों की अनुपस्थिति से, जिह्वा की उपस्थिति से या जिह्वा की अनुपस्थिति से? तो इनका संबंध माना गया है फ्रेंड्स, अपन कहते हैं कि जो कुछ दांत होते हैं उनकी अनुपस्थिति से इनका संबंध होता है, तो कुछ दांतों की अनुपस्थिति से सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं स्थित होती है जीभ के अग्र शिखर पर, जीभ के आधार सतह पर, जीभ के पश्च भाग पर या जीभ के पार्श्व भाग पर? तो कड़वा स्वाद फ्रेंड्स अपन देख सकते हैं, अपन कोई भी टेबलेट वगैरह लेते हैं तो उसको जीभ के पीछे वाले भाग में ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए जीभ के पश्च भाग अपन क्या करते हैं, कड़वे स्वाद के लिए स्थित माना जाता है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई होती है लगभग 8 फीट, 16 फीट, 24 फीट या 32 फीट? तो आहार नाल की जो लंबाई मानी गई है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए यहाँ पर फीट में पूछा है, अगले ने फीट में पूछा है, तो यह मानी जाती है लगभग 32 फीट तक, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, शाकाहारियों की आहार नाल मांसपेशियों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है क्योंकि उनके आहार में वसा अधिक होती है, उनके भोजन में प्रोटीन की अधिक मात्रा होती है, उनके आहार में कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः सेल्यूलोज अधिक होता है जो पचने में अधिक समय लेता है, उनके भोजन में विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे फ्रेंड्स कि जो शाकाहारी जो भोजन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट यानी कि सेल्यूलोज अधिक होता है और सेल्यूलोज को पचाने में समय अधिक लगता है, इसलिए आहार नाल जो होती है वह शाकाहारियों की तुलना में क्या होती है, कुछ लंबी होती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन अपना यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, मानव में कौन सा अवशेषी दांत पाया जाता है? इंसाइजर्स, प्रीमोलर, डायफोडोंट या अक्कल दाढ़? तो अवशेषी जो दांत होता है फ्रेंड्स मानव में वह होता है अक्कल दाढ़, जिसे थर्ड मोलर दांत के नाम से भी जानते हैं, फोर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दांत की पल्प गुहा किसके द्वारा आस्तरित रहती है? ओडोंटोब्लास्ट, कोंड्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट या एमाइलोब्लास्ट? तो यह होती है फ्रेंड्स ओडोंटोब्लास्ट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मानव का दंत सूत्र होता है I2C2P1 और M3। देखिए फ्रेंड्स, आई का मतलब यहां पर इंसाइजर दांत है, सी का केनाइन है, पी का प्रीमोलर है और एम का मोलर है। तो इस आधार पर अपन देखते हैं कि मनुष्य में दंत सूत्र की जब बात की जाती है तो इंसाइजर की जो संख्या होती है वह एक जबड़े के हाफ में अगर अपन देखें तो दो पाई जाती है, केनाइन एक होती है, प्रीमोलर दो और मोलर तीन। तो दंतसूत्र बना होता है एक जबड़े का हाफ होता है फ्रेंड्स, इस आधार पर दूसरा ऑप्शन अपना सही है, जिसे सामान्य भाषा में अपन 21-23 के नाम से याद भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCl का स्त्राव करने वाली कोशिकाएं हैं जाइमोजिन कोशिकाएं, ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, कुफर कोशिकाएं या श्लेष्मा कोशिकाएं? तो HCl का जो स्त्राव किया जाता है फ्रेंड्स वो होता है ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, मुख्य कोशिकाएं अथवा जाइमोजन कोशिकाएं जो कि जठरीय रस में एंजाइम का स्त्राव करती है किस अंग में पाई जाती है? ग्रंथि के इस्थमस में, नलिकामय ग्रंथि की गर्दन में, नलिकामय क्षेत्र के आधार में या उपरोक्त
सभी में, तो यह पाई जाती है फ्रेंड नलिका में, छत्र के आधार भाग में, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूमिनियंट्स का आमाशय मुख्यतः चार भागों में बटा होता है, किंतु ऊंट में कौन सा भाग नहीं होता है? एबोमेसम, ओसेसम, रेटिकुलम या रूमेन? तो ऊंट में इनमें से एब्सेंट पाया जाता है फ्रेंड्स ओमेसम, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबी ग्रसिका पाई जाती है हंस में, मगरमच्छ में, सर्प में या जिराफ में? तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे जिराफ की जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए उसमें पाई जाने वाली ग्रसिका की लंबाई भी अधिक होती है, इसलिए अपना ऑप्शन जो यहाँ पर सही होगा वो होगा जीराफ, 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विजडम दंत होते हैं अंतिम मोलर, अंतिम प्रीमोलर, इंसाइजर और केनाइन? तो विजडम दंत माने जाते हैं फ्रेंड्स अपन कहें तो अंतिम मोलर दांत होते हैं, 1st ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, किस समय में, किस सतह में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है? आमाशय की सब म्यूकोसा में, ईलियम की म्यूकोसा में, डियोडिनम की सब म्यूकोसा में या ग्रसिका की म्यूकोसा में? तो यह पाए जाते हैं फ्रेंड्स ड्यूडोनियम की सब म्यूकोसा, 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिनोजन का स्त्रावण किसके द्वारा होता है? चीप कोशिकाएं, परिधीय कोशिकाएं, गैस्ट्रिक ग्रंथियां और आंत्रीय कोशिकाएं? तो पेप्सिनोजन का जो स्त्राव होता है वह किया जाता है फ्रेंड्स चीप सेल्स के द्वारा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, छोटी आंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाले 3 स्त्रावित पदार्थ कौन से होते हैं? लार, गैस्ट्रिक रस, पित्त, पहला ऑप्शन देगा लार, गैस्ट्रिक रस और पित्त, सेकेंड गैस्ट्रिक रस, बाइल तथा अग्नाशय रस, थर्ड पित्त अग्नाशय रस आंत्रीय रस, और फोर्थ देखे तो अग्नाशय रस आंत्रीय रस और गैस्ट्रिक रस। तो इनमें से अपन देखें फ्रेंड्स तो यहाँ पर अपना सही होगा 3rd ऑप्शन, जिसमें अपन कह सकते हैं छोटी आंत में जब भोजन के साथ मिश्रित होने वाले 3 पदार्थ, एक तो पित्त होता है, एक अग्नाशय रस, एक आंत्रीय रस, इस आधार पर 3rd ऑप्शन सही है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एक भाग होता है आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहनीय तंत्र का या जनन तंत्र का? तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स जो होता है फ्रेंड्स एक बड़ी आंत्र से जुड़ा भाग माना जाता है, इसलिए अपन कह सकते हैं ये भाग किसका हो गया, अपनी आहार नाल का पार्ट माना जाता है, 1st ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिबर कुवन की दरारी किसका उदाहरण है? सरल नालाकार ग्रंथि, कुंडलित नालाकार ग्रंथि, संयुक्त कुपिकीय ग्रंथि या संयुक्त नलाकार ग्रंथि? तो यह पार्ट अपन मानते हैं फ्रेंड्स कि लिबर कुवन की जो दरारें होती है वह किसका हिस्सा माना गया है, फर्स्ट सरल नालाकार ग्रंथि, 1st ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पियर्स पेचेस मनुष्य की आंत्र तथा वर्मीफोर अपेंडिक्स से संबंधित होते हैं, ये होते हैं पाचक, लिम्फोइड, स्त्रावी या उत्सर्जी? तो ये हमेशा लिम्फोइड होते हैं, 2nd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आहार नाल में गति या पेशी संकुचन कहलाता है, सिस्टोल, डायस्टोल, क्रमानुकुंचन या मेटा क्रोनल? तो इस क्रिया को कहा जाता है क्रमानुकुंचन की क्रिया, 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोन की दीवार संकुचित होकर एक पंक्ति में फूली हुई छोटी छोटी थैलियां बनती है जो कहलाती है हेस्ट्रा, क्रिप्टस ऑफ लिबरकुवन, जाइमोजन कोशिकाएं और टीनिया? तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो 1st ऑप्शन एस्ट्रा है वह सही है। नेक्स्ट, लेक्टियल केंद्रीय लसिका वाहिनी होती है जो पाई जाती है यकृत में, अग्नाशय में, विलाई में या पलिया भाग में? तो ये पाई जाती है फ्रेंड्स विलाई भाग में, 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाइडन की अवरोधिनी तथा ओडाई की पेशियां संबंधित होती है अग्नाशय, यकृत, आमाशय और आत्र से? तो 1st ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, वाल्व ऑफ करकरिंग का दूसरा नाम पलिका सर्कुलेयर्स, पलिका सेमुलेनेयर्स, पलिका वाल्वुलेट्स और उपरोक्त सभी? तो इनमें होता है फ्रेंड्स पलिका सर्कुलेयर्स, दूसरा नाम होता है वाल्व ऑफ करकरिंग का, 1st ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, ब्रूनर ग्रंथि स्त्राव करती है क्षारीय म्यूकस का, अम्लीय म्यूकस, उदासीन म्यूकस या पानी का? तो इसके द्वारा स्त्राव किया जाता है क्षारीय म्यूकस पदार्थ, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पेरोटिड लार ग्रंथि पाई जाती है
जीभ के नीचे, कान के नीचे, आँख के ऑर्बिट के नीचे या जबड़ों के कोण के बीच पाई जाती है। तो इसकी उपस्थिति मानी गई है फ्रेंड्स कान के नीचे। नेक्स्ट, जाइमोजन कणों से भरी पाइसी फॉर्म कोशाएं पाई जाती है यकृत में, अग्नाशय में, अंडाशय में और वृक्क में। तो यह पाई जाती है फ्रेंड्स अग्नाशय में, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, अग्नाशय रस में होता है ट्रिप्सिन लाइपेज माल्टेज, पेप्सिन ट्रिप्सिन माल्टेज, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ट्रिप्सिन पेप्सिन एमाइलेज। तो इनमें कहेंगे फ्रेंड्स कि जो थर्ड ऑप्शन होता है वह ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एमाइलेज लाइपेज, ये पाए जाते हैं अग्नाशय रस में। नेक्स्ट, हमारे शरीर में यकृत किसका भंडारण करता है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी ट्वेल्व या उपयुक्त सभी। तो ये कार्य यानी जितने भी जो विटामिन है ए डी और बी ट्वेल्व है सबका भंडारण यकृत में होता है, इसलिए उपरोक्त सभी सही है। लार में एमाइलेज का पीएच कितना होता है, 6, 6.8, 7.2 और 8। तो लार में इसका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो होता है 6.8 एमाइलेज का पीएच मान, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या स्तनियों के यकृत की विशेषता है, कुफर कोशिकाएं था ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स था केनालिक्यूलाई, ग्लिसन्स कैप्सूल या कुफर कोशिकाएं, ग्लिसन्स कैप्सूल था ल्यूकोसाइट्स। तो इनमें जो थर्ड ऑप्शन अपने दे रखा है ग्लिसन्स कैप्सूल या कुफर कोशिकाएं सही है। नेक्स्ट, सक्कस एंटेरिकस का पीएच होता है 7.6, 6.6, 5.6 और 2.0। तो यह पीएच माना गया है फ्रेंड्स फर्स्ट 7.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंगरहेंस द्वीप पाए जाते हैं अग्नाशय में, सुदांत्र में, ग्रसिका में और आमाशय में। तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स हमेशा अपन कहेंगे कि इसमें अग्नाशय में पाई जाती है लेंगरहेंस द्वीप, जो कोशिकाएं होती है अग्नाशय में स्थित होती है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में शैलावरी ग्रंथियों की संख्या होती है 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी और 5 जोड़ी। तो इनकी संख्या मानी गई है फ्रेंड्स अपन कहें तो कि मनुष्य में शैलावरी जो ग्रंथियां पाई जाती है वह होती है 2 जोड़ी, सॉरी शैलावरी ग्रंथि सॉरी लार ग्रंथियां 3 पाई जाती है मनुष्य में, 3 जोड़ी, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, टाइलिन एक एंजाइम है स्लावरी रस का, अग्नाशय रस का, आत्रीय रस का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह होता है फ्रेंड्स अपन कहते हैं कि सेलावरी रस का एक एंजाइम होता है। नेक्स्ट, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्ताशय में किस नलिका द्वारा पहुंचता है, हिपेटो पेनक्रियोटिक नलिका, सिस्टिक नलिका, हिपेटिक नलिका और हिपेटोगोले नलिका। तो इनमें से फ्रेंड्स जो सिस्टिक नलिका है वह ऑप्शन अपना सही है, यकृत द्वारा स्त्रावित पित्ताशय में इसी नलिका के द्वारा पहुंचता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो डाइजेस्टिव सिस्टम से बार बार रिपीट होते हैं, पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बनते हैं। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वह जल्दी से इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपके पास सर्वप्रथम वह पहुंच सके। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए फ्रेंड्स, थैंक्स।